लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? यहाँ भी स्ट्राइक? हाँ, यहाँ भी स्ट्राइक हो रही है। जब तक तुम हमारी 3 मांगे पूरी नहीं करोगे, हम ये शो होने नहीं देंगे। बोलो। हमारी पहली मांग ये है कि पहले मांग तो ठीक से निकाला करो। मेरी पहली मांग, इस शो में ओरिजिनल जोक्स पेश किया करो। ठीक है, कुछ भी बके जाते हो, मेरा लिमिट में रहा करो यार, टीआरपी गिर रही है। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं अपनी हद की लिमिट में ही रहूंगा और आज से अनु मल्लिक की तरह ओरिजिनल बन जाऊंगा। ठीक है, अब हमारी दूसरी मांग, जो हमारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, जरा उनको बोलने दिया करो यार, खुद उन पर हावी होते रहते हो। वो इसलिए क्योंकि मैं हावी वेट एक्टर हूँ। नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आज से ही करना होगा। अरे ठीक है यार, कर लूंगा, ट्राई मारता हूँ। ठीक है, ओके। अब हमारी तीसरी मांग, ये जो तुम्हारा बैंड है ना, इसे कहो कि हंसे कम और ट्यून सच्ची बजाए जरा। चलो चलो, ठीक है ठीक है, चलो भाई, चलो चलो चलो, काम धंधा नहीं है, चलिए। ए शेखर, यू मस्ट टेल मी रियली, क्या तुम इनकी सारी मांगे पूरी करोगे? हाँ, पगला गए हो क्या? अरे हम यहाँ प्रोग्राम पेश करने आए हूँ, कौनो किसी का डिमांड पूरा करने नहीं। अरे बोलना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ससुरा वो भी हमसे छीन लेना चाहते हो? दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में 2 मेहमान हैं। एक है फिल्म दस्तक का किला का एक्टर हुआ मुकुल देव, और दूसरी है फिल्म दुश्मन की डायरेक्टरनी तनुजा चंद्रा। मिलते हैं ब्रेकवा के बाद, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सरयरुआ और उसके रबर बैंडवा का। शेखर सुमन एंड यू वॉचिंग मूवर्स एंड शेकर्स। साथियों, पिछले दिनों एक सर्वे से पता चला कि हमारे यहां के सभी चैनल्स पर पंजाबी गाने, भांगड़ा और रैप्स सबसे ज्यादा पॉपुलर साबित हुए। इस वक्त सभी टॉप रेटिंग्स में, इतना ही नहीं टीवी सीरियल्स में भी पंजाबी टच वाले प्रोग्राम्स की व्यूअरशिप काफी ऊपर चल रही है। और भाई प्रोड्यूसर साहब, मैं क्या इस प्रोग्राम नु पंजाबी विच क्यों ना कन्वर्ट कर दिता जाए, टॉप रेटिंग बन जाएगी, नाम रख देवांगे मुआ शेखर। पिछले दिनों नागपुर में चोरों का एक खतरनाक गैंग पकड़ा गया। खतरनाक से आप सोच रहे होंगे उनका नाम गन मास्टर बिल्ला, मदन टपोरी या पप्पू चक्कू वाला गैंग टाइप का होगा, लेकिन नहीं जनाब, नाम था चड्डी बनियान गैंग। इस पर मुझे एक बड़ा ही जलता हुआ सा शेर याद आया, तू जिस घोड़े पे बैठा है, तू जिस घोड़े पे बैठा है वो घोड़ा नहीं पोनी है, और जिस चैनल पे ये प्रोग्राम आ रहा है वो जी नहीं सोनी है। वाह। कुछ ऐसे ही शेर सुनते हैं हमारे उस्ताद से। शुक्रिया शुक्रिया शेखर सुमन साहब, शुक्रिया। शेर बाजार से आपके लिए चंद शेर लेकर आए हैं। मोहब्बत नजरें करती हैं, तड़पना दिल को पड़ता है। मोहब्बत नजरें करती हैं, तड़पना दिल को पड़ता है। घोटाले नेता करते हैं, भुगतना पब्लिक को पड़ता है। दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, पास गया तो बुड़ाऊ भीग गया। बारिश को भूल जाइए, वाइल्ड लाइफ पर शेर सुनिए। दूर से देखा तो शेर आ रहा था, दूर से देखा तो शेर आ रहा था, तो ये जनाब पास गए ही नहीं। ये सुनिए, गमे दुनिया से फुर्सत पाई भी सर उठाने, गमे दुनिया से फुर्सत पाई भी सर उठाने की, हर शायर की आती है नौबत जूते खाने की। साथियों, पिछले दिनों श्री नेल्सन मंडेला जी के 80th बर्थडे की खुशी में साउथ अफ्रीका की सरकार ने जेलों में सजा काट रहे 9,000 कैदियों को रिहा कर दिया। वाह, बर्थडे किसी और का, तोहफा मिला किसी और को, तोहफा तोहफा। साथियों, काश इस तरह की रिहाई का एक फैशन से शुरू हो जाए। तो इस बात से प्रभावित होकर हमने सोचा कि अगर हमारे यहां भी ऐसी प्रथा होती तो कुछ ऐसा होता।
जैसे कि मिस जयललिता अपने बर्थडे पर वाजपेयी सरकार को अपनी धमकियों की कैद से रिहा कर खुशवंत सिंह अपने बर्थडे पर अपने कॉलम में घिसे पड़े चुटकुले ना लिखने की कसम खाकर रीडर्स को बोरियत के कैद से फ्री कर और शेखर सुमन अपने बर्थडे पर मूवर्स एंड शेखर से संन्यास लेके करोड़ों लोगों को अपनी बेवकूफियों की कैद से रिहा कर रहे हैं। और अब पेश है उन नौजवान साथियों के लिए खुशखबरियां जो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती होकर इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। एक मत करो यार, मैंने एनडीए कहा, तुम तो बिना का गीतमाला का फैनफेयर म्यूजिक सुना रहे हो यार, बचपन में सुना करते थे, बंद करो। सो यंग फ्रेंड्स, पहली खुशखबरी यह है कि अब आपको एनडीए का मुश्किल एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपका एडमिशन यूं ही हो जाया करेगा। दूसरी गुड न्यूज, अब आप एनडीए की पढ़ाई के दौरान रोमांस भी कर सकते हैं और फिर शादी भी। तीसरी खुशखबरी यह है कि जब आप आर्मी में भर्ती हो जाएं तो आपको लंबे बाल दाढ़ी मूछ रखने की पूरी आजादी मिलेगी। दोस्तों, ये सारी छूट सरकार की देन नहीं है, ये खास तोहफे तो हमारे बच्चन साहब की नई फिल्म मेजर साहब की तरफ से। लेकिन सॉरी सर, डिफेंस रूल्स को आपका धीमा सा झटका कुछ जोर से ही। अमेरिका के पॉपुलर अखबार ट्रिब्यून ने अब अपना गेटअप चेंज करके गुड न्यूज ट्रिब्यून नाम रख लिया है। अब इसमें मर्डर, वायलेंस और एक्सीडेंट्स वगैरह की न्यूज के बजाय सिर्फ अच्छी खबरें ही छपती हैं। उस अखबार से इंस्पायर होकर मेरे एक दोस्त कल्लू राम ने भी ठान लिया कि वो भी अपने अखबार में सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें ही छापेगा और अखबार का नाम न्यूज टाइम्स से खुशी टाइम्स कर देगा। साथियों, कल्लू राम ने अपने इस नए अखबार का पहला एडिशन मुझे भेजा है, ये देखिए। वाह, ये है हमारे यहां की अच्छी खबर। यह खुशी टाइम्स कम, खुदकुशी टाइम्स ज्यादा लगता है। पिछले दिनों दिल्ली के एक बड़े अखबार में एक आर्टिकल छपा था कि जामुन खाने से पुरुषों में शक्ति बढ़ जाती है। जामुन को देसी वायग्रा का रूप बताया गया था। बस फिर क्या था, धड़ाधड़ दिल्ली के बाजारों में जामुन यूं गायब हो गए जैसे वायग्रा खाने से कमजोरी गायब हो जाती है। अपना प्रोडक्ट बेचने का यह बढ़िया तरीका। कल को कोई कहेगा हमारे पान मसाले में वायग्रा जितनी ताकत है, तो कोई कहेगा हमारे दंत मंजन में, बस इस तरह दांत रगड़ते जाओ तुम्हारे अंदर ताकत अपने आप भरती जाएगी। और तो और, चौपाटी पर भेलपुरी वाले भी कुछ इस तरह से आवाज लगाया करेंगे, बाबूजी भेल ले लो भेल, खस्ती करारी वायग्रा जितनी ताकत देने वाली भेल, 20 पैसे में। Don't go away, stay tuned, we'll be back in a jiffy with actor Mukul Dev and director Tanuja Chandra. Now I feel better. वो क्या है ना, जब तक दिन में मैं 3-4 बार शारी से लड़ न लूँ, इसे मोटी मोटी गालियां न दे दूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। Now I feel very good. Oh, I feel better than good. Shaggy, super, super. चलो अब काम करते हैं। साथियों, एक जर्मन डॉक्टर का कहना है कि गालियां देकर दिल की भड़ास निकाल लेने से आदमी टेंशन फ्री हो जाता। अरे अरे, आप लोग क्या करें, अभी नहीं, आप लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद टेंशन फ्री हो। Our first guest in Movers and Shakers tonight is the hot shot director of film Dushman. They say all good things come in small packages and they are damn right. Ladies and gentlemen, please welcome Tanuja Chandra. तनुजा, क्या तुमसे लोग पूछते हैं अक्सर कि तुम बड़ी हो के क्या बनोगी? एक्चुअली मेरे सेट पे आके पूछते थे डायरेक्टर से बात करनी, डायरेक्टर कौन है, तो आई यूज्ड टू गेट रियली पिस्ड ऑफ एंड देन आई यूज्ड टू से इट्स मी, यू आर लुकिंग एट हर, देन दे कुडंट बिलीव दैट। अच्छा ये बताओ तनुजा कि इतनी कम उम्र में इतने छोटे कंधों पर फिल्मों का इतना बड़ा बोझ तुम कैसे उठाए? एक्चुअली साइज में और कन्विक्शन में कोई लेना देना नहीं होता। आई कैन आई एम क्वाइट अ टेरर ऑन द सेट राइट नाउ, आई एम स्कैर्ड शिटलेस ओवर हियर सिटिंग टॉकिंग टू यू इन फ्रंट ऑफ दीज कैमरास, बट व्हेन आई एम बिहाइंड द कैमरास देन आई नो व्हाट आई वांट टू डू, आई एम वेरी चार्ज्ड, वेरी मोटिवेटेड एंड आई नो हाउ टू मेक अ गाय एक्ट। या आर यू डिस्पोटिक, आर यू टिरैनिकल? नो, इफ अ एक्टर सजेस्ट समथिंग देन आई ऑलवेज वांट टू, आई एम ग्रीडी फॉर अदर पीपल्स आइडियाज, यू नो, स्पेशली इफ एन एक्टर सेज समथिंग, क्योंकि
उसी के मतलब बॉडी के माध्यम से हम कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो इफ एन एक्टर से समथिंग आई ऑलवेज लिसन। तो क्या ये जो बड़े बड़े एक्टर हैं हु आर मेड बिग, हु लुक बिग, उनके जिस्म उनके बॉडी के थ्रू कुछ ज्यादा कहने का मौका मिलता है? Somebody like संजय दत्त जो कि 6 फुट लंबा है एंड ही इज अ बॉक्सर, ही इज गॉट अ हेल ऑफ अ बॉडी, वेट लिफ्टिंग, ही डज एक्सरसाइजिंग एवरी इवनिंग, ही इज गॉट द सॉफ्टेस्ट हार्ट, ही somebody like him doesn't think at all while acting, which is very good. एक्टर को सोचना नहीं चाहिए, सोचना नहीं, सोचने का काम डायरेक्टर का है। इवन अ डायरेक्टर मस्ट नॉट थिंक, एवरीथिंग मस्ट बी डन ऑन एन इमोशनल लेवल। तुम जिम्मेदार हो कि तुमने एक ऐसी फिल्म बनाई है, वो कैसे किरदार का तारुफ कराया है उस फिल्म से कि जो डाक और तार विभाग है जो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो एहसास है आशुतोष यहाँ था, उससे मैंने यही सवाल किया था कि तुमने जो ये भूमिका निभाई है, जो किरदार, उसके बाद वाकई लोग जो है पोस्टमैन से डरने लगे, चिट्ठी लेके आओ छेद को, हाँ ठीक है वो बाहर डाल गया, नीचे दरवाजे के नीचे स्लिप करके चले जाओ। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी होती है सुन के, बिकॉज इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट टू मी कि डाक विभाग को मतलब से अब लोगों को डर लगने लगा। हालांकि आई डिडंट से दिस अबाउट द पोस्टल डिपार्टमेंट, ये एक आदमी है, एंड व्हाइल डूइंग रिसर्च आई फाउंड आउट कि बलात्कार या मर्डर, ऑल दिस हैपेंस मोस्टली फ्रॉम पीपल यू नो। आगे कौन सा विभाग बंद करवाएंगे? Or are you going to be working for television? Mm-hmm. To do TV well is far more difficult than to do film well. Please, it's I'll clap for that. Yes. Experimentation आप कर सकते हैं, वो फिल्म में कभी नहीं कर सकते। अच्छा, जब दुश्मन तो मना रही थी और वो जो जो क्लाइमैक्स था आखिर में, जब आशुतोष राणा रियली गोज टू हिट संजय दत्त, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू टेल हिम? खूब मारो जाके, घबराना नहीं, नहीं हो तो क्या हुआ, संजय दत्त स्टार है तो रहे, बट हाउ डिड यू एक्सप्लेन इट टू हिम टू डू दैट सीन? एक्चुअली आई यूज्ड टू कांस्टेंटली व्हाइल ही वाज डूइंग द शॉट बी शाउटिंग, यू नो, बी शाउटिंग एट हिम एंड मेक, आई यूज्ड टू मेक ग्राउलिंग साउंड्स, यू नो, आई यूज्ड लाइक, आई यूज्ड टू बी सेइंग लाइक दैट, यू एक्चुअली बी डूइंग दैट, रियली, या आई यूज्ड टू से आशुतोष मार लाइक दैट, एंड यू टू रियली गेट यू नो इंस्पिरेशन, बट वुड आशुतोष इन दैट मोमेंट लुक बैक, हां मार रहा हूं, एक्चुअली संजय दत्त वाज वेरी गुड विद हिम, संजय दत्त गॉट हिट कपल टाइम्स आल्सो सीरियसली, मतलब वो बॉडी बिल्डिंग का कोई तो फायदा होना चाहिए, उसने कहा कि ही यूज्ड टू से अरे यार मेरे को जोर से लग गई, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं आशु तू मार यू नो, बिकॉज़ ही वाज एनकरेजिंग हिम। नए एक्टर को पता नहीं चलता ना हाउ मच हाउ क्लोज यू शुड कम एंड नॉट मेक रियल कॉन्टैक्ट। अच्छा तनुजा, हमारी फिल्में जो आजकल की बन रही है वो कहां जा रही है? मतलब अब प्यार पे फिल्में शुरू हुई तो प्यार तो होना ही था, प्यार प्यार तुमसे प्यार करूंगा, भेड़ चाल, इट्स जस्ट की अब क्या लास्ट पिक्चर कौन सी बोली, मैं तुमसे प्यार करूंगा ही करूंगा तुमसे प्यार करके ही रहूंगा प्यार करती हो कि नहीं प्यार नहीं करूंगी तो बलात्कार करूंगा, समथिंग लाइक दैट, आई मीन लाइक, मतलब क्यों ऐसा हो, क्यों रहा है? जो भी हमारे पुराने ग्रेट्स जो थे उनको भी अगर आप ट्रांसपोर्ट करके इस माहौल में ले आए उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो भी ये प्यार करूंगा करके रहूंगा जैसी पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि द आइडियाज आर नॉट न्यू, यू नीड न्यू आइडियाज समवेयर। लेकिन जैसे तुमने कोशिश की है, तुमने एक मिथ को तोड़ा है, एक अलग चीज बनाई है सक्सेसफुल वे, एंड वी डू होप दैट यू आर मोर एंड मोर सक्सेसफुल। डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक विद एक्टर मुकुल देव। एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉल आवर सेकंड गेस्ट इन मूवर्स एंड शेकर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, Please welcome Mukul Dev. तुमने शुरुआत की तनुजा के साथ, तनुजा स्टोरी में। वो जो बोल रही थी ना कि I can make a man act, मैं उन बेचारों में से एक हूँ। We should thank her for telling, yeah, really for calling you a man. In fact, कुछ भी नहीं, मतलब director कुछ भी बता सकता है। क्या हुआ कि and I'm not saying it because she's here, but genuinely even today like. Whatever little acting that I know, whatever lesson I've had, she was the one who gave it to me first. Television से जो फिल्मों में transition हुआ, तब तक you had come on your own, absolutely. Yeah, absolutely. In the sense that I never thought of films. I was just doing serials. मैं सोचा था serials करते रहूँगा. I'll be a big TV star like you. And then Mahesh Bhatt saw that serial Mumkin, which he was directing. Okay. And he took me as a police officer in his Dastak. अच्छा, मुझे ये बताया गया कि तुम महापत्नी भक्त हो। जी, बहुत ज़्यादा। और मुझे ये भी बताया गया कि जय दुर्गा। ओके। लेकिन ये भी सुना है कि पत्नी भक्त होने के नाते एक दिन एक शूटिंग में जब मुकुल देव की ढूंढाई हो रही थी, मुकुल देव शादी कर रहा था, ऐसा इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ऐसा थोड़ा ना सकता।
शूटिंग में छोड़ के जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ब्रेक के लिए जाऊँ, पता लगा कि कहीं जाके शादी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मेरा एक शेड्यूल था शूटिंग का, उसके बीच में मैं शादी करके आया था, और शादी मैंने ऐसे की कि मतलब शादी की और मंडप से सीधा सेट पे। तो उसके एक महीने के बाद हमें मैंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे अपनी बीवी को, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, फिर घूम फिर के गोवा जाना पड़ा। अपना हनीमून मना लिया ना? बहुत बड़े अब चिंता होने लगी। समथिंग मोर अबाउट दस्तक, वेयर यू वेंट शूटिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड व्हाइल शूटिंग। वी वेंट टू स्विट्जरलैंड फॉर द सॉन्ग्स। यू आर अ लकी गाय। एंड बस उसके बाद स्पेशल, आप मानेंगे नहीं, उसके बाद मैंने जितनी फिल्में की है खंडाला से आगे गया नहीं हुआ। नॉर्मली खंडाला से शुरू करके लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं। खंडाला गया, फिर जयपुर गया, और कब, वो भी जून में, समर में। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। नाउ आई कीप टेलिंग द प्रोड्यूसर्स यार कहीं मेरी फिल्में जब फ्लॉप होने शुरू हुई तो फिर मैं नटराज स्टूडियो से आगे नहीं जा पाया था। क्या बात करें, वहां तो मैं जानता हूं। मैं अंधेरी में मेरा करियर खराब खत्म हो गया था। ये तुम्हारी वाइफ कैसे रिएक्ट करती है टू योर फेलियर्स? सम टाइम्स सक्सेस तो इट्स गुड फॉर एवरीबॉडी, बट what does she tell you? My exactly? wife somehow is very she's not aware of any kind of failures as such. Usse lagta hai ki jo abhi tak hua hai bahut acha hai, bahut acha hai, kyunki usne mujhe, we were neighbors in Delhi, you know, saath saath rehte the, love thy neighbor, aisa apna situation tha mera. To puri jawan the gawandi pareshan. Ne gawandi bhi jawan se yaar pareshan, bahut pareshan tha jawan, to jawan to hi hai mashallah, to gabru jawan. गाड़ियों में मतलब लड़कियां रहती थी हमेशा, ये सब। सो हर पेरेंट्स वर अ बिट यू नो स्केप्टिकल, यार कैसा लड़का है, अजीब अजीब लंबे लंबे बाल हैं, पानवान चबाता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ग्रेजुअली एज आई लाइक आई मूव्ड ऑन to my career seriously, took it seriously, mumkin started coming on air, so Achha. They got to know that okay, this guy is serious about something in life. Baki to tab tak to sirf has to just exchange letters, you know. Kaise matlab aise patthar maan ke aise wala type. Ek baar main apni chhat pe khada tha and I had to mujhe maine usko valentine ka card dena tha, matlab de diya tha subah maine, pahuncha diya tha kisi tarah se. Kaise wo ye sab to janna hai mujhe, minor details janne hai. There was a friend of hers who used to like, you know, she used to play that cupid thing. Somehow her mother caught it. बोले ये मुकुल ने आपके लिए दिया। ऐसा नहीं, फिर तो अच्छा प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन मैं अपनी मतलब छत पे खड़ा था रात को, एंड आई वाज वेटिंग फॉर हर टू कम आउट, एंड सडनली आई वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड आई गेट दिस पॉलिथीन ऑन माय फेस, सीधा मुंह पे लगा के पड़ाक करके, और जो मैंने देखा तो उसकी मदर खड़ी वहाँ पे, और उसके बाद जो गालियाँ शुरू हुई तो सीधा लाइक यू नो आई विल हैंग यू नो, शुरू हुए तो तुम्हारे दामाद बनने के बाद खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाके। She was like, but I really, really pestered. Really you fought. I mean, like you, yeah. It was like you were persistent. Very. मुझे यही चाहिए. यही चाहिए. हाँ? नहीं तो उठा के ले जाऊँगा. उठा के ले जाएंगे. उठा के ले जाते तो? क्या ऐसे मतलब? उठा के ले जाते अगर नहीं होती तो? नहीं ये बात बोलूँगा नहीं सबके सामने. No, that's why I said I'm happy she called you a man, because really you are a man. You're persistent. You are insistent. You are diligent. Yes. And you accept your failures. You're intelligent and everything else. And he works very hard. And you work very hard at battling girls. And he's very hard. And we all sincerely hope that you go from place to place. Thank you. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.